Why don't you solve miracles? Why don't you study science? Why you learn science by cramming? ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में बैठे बैठे आए क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि 6th टू 10th जो बच्चे होते हैं तो उनके दिमाग में ये आता है कि साइंस और मैथ्स टफ सब्जेक्ट्स हैं, साइंस और मैथ्स जो है उसको क्रैम करना पड़ता है, उसके न्यूमेरिकल्स टफ होते हैं और आगे भी वो साइंस लाइन में जाने से घबराते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसी वीडियो के थ्रू मैं आपको इसके कारण बताने की कोशिश करूंगा और उसमें क्या कमी रह जाती है, क्या प्रॉब्लम होती है, तो वो भी हम इसमें शेयर करेंगे। देयर आर थ्री फैक्टर्स विच इफेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन साइंस और मैथ्स। द फर्स्ट वन इज द लर्निंग techniques or methods of the student, and second one is his environment or self-confidence, and third one is unawareness. First of all, how learning techniques affect our interest in science and maths? लर्निंग टेक्निक साइंस और मैथ्स में इंटरेस्ट को कैसे इफेक्ट करती हैं? जैसे हम अगर बात करें कि आपकी लर्निंग टेक्निक है क्या, तो आपकी लर्निंग टेक्निक क्या है? ज्यादातर मैंने देखा है कि क्या आपका कैसे आप साइंस मैथ्स लर्न करते हो, तो आपको आपकी टेक्स्ट बुक होती है या टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस उसमें दिए होते हैं, तो वो क्वेश्चंस के आंसर्स या तो आपके जो टीचर्स हैं वो लिखवा देते हैं आपको, या फिर कोई बुक में टिक कर लेते हो आप, ठीक है, तो उसमें से या कोई गाइड वगैरह नोट्स वगैरह आपके पास होते हैं तो उसमें से आप लर्न करते हो उनको और उनको क्रैम करते हो। उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग पे, उसके कंसेप्ट क्लियरेंस पे कोई आप ध्यान नहीं देते हो, जस्ट आपके पास क्वेश्चन पड़ा होता है, उसका आंसर पड़ा होता है, आप क्रैम कर लेते हो। सो दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ लर्निंग। तो एक्चुअल में जो साइंस आपको पढ़नी चाहिए तो ये मेथड साइंस को पढ़ने का नहीं है। साइंस को पढ़ने का सही मेथड क्या है? अंडरस्टैंडिंग बने, साइंस के जो कंसेप्ट्स हैं वो सभी कंसेप्ट्स क्लियर हों, तो फिर आप साइंस में इंटरेस्ट बनेगा आपका। अगर थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो ज्यादातर बच्चे हैं जैसे वो बोल देते हैं कि न्यूमेरिकल्स टफ होते हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाते हम, ठीक है, साइंस टफ है। क्यों है? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही, कंसेप्ट पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगर आपके कंसेप्ट बनेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी, तो ऑब्वियसली जो आपका इंटरेस्ट है वो न्यूमेरिकल्स में बहुत अच्छा बनेगा, साइंस में बहुत अच्छा बनेगा, आगे भी आप फिर साइंस लेने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, साइंस लाइन में जाओगे और सक्सेसफुली उसे हैंडल भी करोगे। सो इसलिए अपना जो मेथड ऑफ लर्निंग है तो वो आप सही करो। एग्जाम्पल के तौर पे हम छोटी सी बात करते हैं, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है तो ग्रेविटेशन बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन बच्चे उसको उस तरह से करते ही नहीं, तो बच्चे क्या करते हैं, उसको क्रैम करते हैं। जैसे ये चैप्टर है वो स्टार्टिंग में ही इसके आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो न्यूटन ने दिया था, इसाक न्यूटन ने दिया था, तो वो जो लॉ था तो वो लॉ क्या बोल रहा था, तो उस लॉ ने बोला कि फोर्स बिटवीन एनी टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। तो उसमें हमारे पास एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आया जिसकी एक फिक्स वैल्यू थी, जो भी वो आया हमें दिया गया। बट जब
उसमें पढ़ते हैं सैटेलाइट के मोशन के रिगार्डिंग के सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड या मून के अराउंड या किसी और प्लेनेट के अराउंड, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसको क्यों नहीं खींचती? जबकि यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन जो बोलता है तो वो बोलता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई भी दो बॉडी जिन जो मास रखती है तो उसमें लगती है, लेकिन फिर भी वो सैटेलाइट जो है उसको वो अर्थ या कोई प्लैनेट वो अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा था, वो उसके करता वो उसके अराउंड घूमती कैसे रहती है? अगर ये बच्चे से पूछा जाता है तो बच्चा बोल देता है मुझे नहीं पता, उनको नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्रैम किया हुआ है, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी कि एक्चुअली यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन कहता गया है। हाँ, अगर उसकी उसमें अंडरस्टैंडिंग बनी हो तो वो खुद ब खुद समझ जाएगा, वो एक्सप्लेन भी कर पाएगा कि हाँ क्यों वो रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर उसी बच्चे को ये पूछ लिया जाए भाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो ये बोल रहा है कि कोई भी दो मासेस, कोई भी दो पूरे यूनिवर्स में कोई भी जो दो बॉडीज जिनका मास है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। तो मेरे पास दो पेन है तो इन पेन के बीच में फोर्स क्यों नहीं लग रही, इन पेन के बीच में फोर्स क्यों नहीं लग रही? फोर्स नहीं लग रही। अगर मैं इसे ऐसे छोड़ दूं तो फोर्स नहीं लगती इनको इनमें से, तो क्यों नहीं लग रही? तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता। तो वो एक मिसकंसेप्शन बना लेता है कि भाई फोर्स उसी में लगती है सर जिसमें अर्थ इन्वॉल्व होती है, तो अर्थ ही लगाती है फोर्स, तो वो तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ ही लगा सकती है? तो ऐसे फिर वो मिसकंसेप्शन जो है वो पाल लेता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाता, अंडरस्टैंडिंग बनती नहीं। तो आगे वो कहीं पे भी ग्रेविटेशनल पढ़ेगा उसके न्यूमेरिकल करने चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए। सो ऐसे ही जैसे अगर मैं 8th-10th के बच्चों की बात करूं तो वहां पे लाइट आ जाती है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन वगैरह आ जाते हैं, स्फेरिकल लेंसेज और मिरर्स की अब बात आ जाती है, उनके इमेज फॉर्म्ड आ जाते हैं, कौन से इमेज उसकी नेचर क्या होगी वो आ जाता है। तो ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं भाई ये कनकेव लेंस है तो ये ऐसा इमेज फॉर्म करेगा, कन्वेक्स है वो ऐसा करेगा, बच्चे क्रैम कर लेते हैं। और एग्जाम में ज्यादातर ऐसे भी हो जाता है कि वो हॉच पॉच हो जाता है, वो कन्वेक्स लेंस वाली जो प्रॉपर्टीज हैं वो कनकेव में और कनकेव वाली कन्वेक्स में डाल देते हैं। तो मैं बोलता हूं कि अगर जो वो टॉपिक है वो नेचर ऑफ इमेज वाली वो है उसकी, उसको मैं क्या बोलता हूं भी ये देखो मैं कन्वेक्स लेंस कनकेव मिरर लेता हूं, मैं उसके नजदीक लेके जाता हूं, मैं बोलता हूं देखो जब ही आपको फेस दिखेगा तो आप बताना मुझे, तो वो देखता है फेस, जब दिखता है मैं पूछता हूं बताओ बड़ा बड़ा साइज या जो आपके फेस दिख रहा है इसमें वो बड़ा दिख रहा है छोटा दिख रहा है, वो सीधा दिख रहा है या इन्वर्टेड दिख रहा है? तो वो देखता है बच्चा, जब दूर लेके जाता हूं तो इमेज कहां पे बन रहा है, बाहर बन रहा है मिरर के या अंदर बन रहा है, सीधा बन रहा है उल्टा बन रहा है, छोटा बन रहा है बड़ा बन रहा है, तो वो देखता है बच्चा। तो मुझे नहीं लगता कि वो देख के उसके बाद वो भूलेगा, कभी भी लाइफ टाइम में नहीं भूलेगा वो, क्योंकि उसे उसने क्रैम नहीं किया, उसने उसे फील किया, तो फील किया हुआ वो बात नहीं भूलता बच्चा। तो इस तरह से जो आपकी लर्निंग टेक्निक्स होती हैं तो वो आपकी इंटरेस्ट्स को में इंटरफेयर करती हैं। सेकेंडली बात हमने की थी आपका एनवायरमेंट, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। अभी ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे या एनवायरमेंट कैसे इफेक्ट कर गया? एक नेचुरल सी बात है, जैसा हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, जैसा हमारा एनवायरमेंट होता है वैसे ही हम बनते हैं, वैसे ही हमारे इंटरेस्ट बनते हैं। अगर बच्चे का जो फ्रेंड सर्कल है वो साइंस में अच्छा है, मैथ्स में अच्छा है, इंटरेस्ट ले रहा है, तो ऑब्वियसली जो वो बच्चा है उसका भी मैथ साइंस अच्छा होगा, इंटरेस्ट लेगा वो। क्यों?
जैसे मैं आपको एक अपना इंसिडेंट सुनाता हूं, हमारे ये नियर अबाउट 2003-04 की बात है, फोर की बात है, बीएससी फर्स्ट ईयर में था मैं, तो एग्जाम चल रहे थे, तो फिजिक्स का एग्जाम था हमारा और उसमें एक थ्योरम आती थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, 8 मार्क्स की हर बार आती थी वो, तो हमें पता था कि वो काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने ये भी सुन रखा था कि वो टफ भी बहुत है, वो थ्योरम काफी टफ है, तो मैंने सोचा भी चलो ट्राई करते हैं, कोई बात नहीं ट्राई तो करते हैं। मैंने ट्राई किया, एग्जाम था, किया कि भाई 8 मार्क्स क्यों छोड़ने हैं, करते हैं। तो मैंने ट्राई किया, मुझे 2 से 2.5 घंटे लगे, लेकिन मुझसे वो थ्योरम नहीं हो पाई। तो उसके बाद फिर जैसे थक जाते हैं, जैसे आप भी करते हो ना, कोई एग्जामिनेशन चल रही है तो स्टडी ज्यादा करनी पड़ती है, तो चलो अभी थोड़े फोन कर लेते हैं, या फ्रेंड सर्कल में किसी को कर लेते हैं, फ्रेंड को कर लेते हैं, तो ऐसे ही मैंने कर लिया। मेरा एक फ्रेंड था, हम एक साथ जाते थे, एक साथ आते थे, तो मैंने भी फोन कर लिया उसे, तो फोन किया तो क्या बातें होंगी एग्जाम में, यही आप तुमने क्या कर लिया, कौन सा चैप्टर कर लिया, मैंने कौन सा कर लिया, ये छोड़ दिया, ये कर लिया, चलता रहता है। तो हमने भी वो किया, अभी मेरी तो बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई थी वो थ्योरम 8 मार्क्स की, वो 8 मार्क्स की देख रहे थे मुझे, तो मेरे दिमाग में तो वो घूम रहा था। मैंने बोला भाई तूने वो थ्योरम कर ली, मैंने अपने फ्रेंड से पूछा तूने कर ली वो, उसने बोला यार हाँ मैंने तो कर ली। मैंने बोला यार मुझे काफी टाइम हो गया, मुझसे नहीं हो रही यार, काफी टफ है, थोड़ी मुझे लगा थोड़ी टफ है। तो उसने बोला नहीं यार कर ली मैंने तो, हो जाती है, इजीली हो गई थी, कोई ऐसी बात नहीं। मैंने बोला चलो ठीक है छोड़ो, अभी बाद में बात करते हैं। तो मैंने सोचा कि ये जो है मेरी तरह है, एक साथ हम पढ़े हैं, इकट्ठे जाते हैं, इकट्ठे आते हैं, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने ठान लिया कि मुझे ये थ्योरम करनी ही है, चाहे कैसे भी करूं, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने कर ली तो मैं तो कर ही सकता हूं। तो भाई मैंने कर ली वो, नेक्स्ट डे हम एक साथ एग्जाम देने गए और वो थ्योरम भी एग्जाम में आ गई। एग्जाम देके वापस आए तो जैसे आप लोग डिस्कस करते हो, हमने भी किया, ये कर दिया, ये छोड़ दिया, ये 1 नंबर वाले इतने हो गए, 2 मार्क्स वाले इतने हो गए, 5 हो गए, वो चला हमारे बीच। तो जब वो थ्योरम पे बात आई, मैंने बोला मैंने कर दी क्योंकि मैं करके गया था, लेकिन जब उससे पूछा तो उसने बोला कि मैंने नहीं की क्योंकि मैंने तो ये याद ही नहीं की थी, मैंने तो लर्न ही नहीं की थी, छोड़ दी थी मैंने। तो मैंने बोला यार कल रात तो तेरे से बात हुई है, तू बोल रहा था मैंने कर ली, इजी है बड़ा, तो उसने बोला मैंने तो यूं ही बोल दिया था। तो अभी यहां से क्या समझ में आया, अगर जब मैंने उसे फोन किया था मैंने पहले ये सुन रखा था कि ये टफ है, तो मैं 2 घंटे तक कर नहीं पाया उसे, क्योंकि मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये था कि ये टफ है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये मुझसे नहीं होगी, तो मुझसे हो भी नहीं रही थी वो। और जब उसने बोल दिया कि मैंने कर लिया यार ये इजी है, तो मुझे लगा कि मैं क्यों नहीं कर सकता, तो मैं भी कर सकता हूं, अगर वो कर सकता है तो विद इन 50-20 मिनट्स मैंने वो कर ली। तो ऐसे आपका एनवायरमेंट, आपका फ्रेंड सर्कल वो इफेक्ट करता है आपकी स्टडी को, आपके इंटरेस्ट को। लास्ट अनअवेयरनेस। अभी अनअवेयरनेस कैसे, ज्यादातर बच्चे जो हैं वो ये सोचते हैं कि साइंस मैथ्स चलो कर भी लें, इंटरेस्ट ले लें, अच्छी तरह से पढ़ लें, लेकिन क्या होगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि साइंस मैथ्स करने से फ्यूचर क्या है, क्या ऑप्शंस है।
तो अब जब उनको कोई ऑप्शन ही नहीं पता होती तो वो ऑब्वियसली फॉर पढ़ते नहीं है वो, तो अनअवेयरनेस एक बड़ा रीजन है। कोई उनको टेस्ट वगैरह, कोई कंपटीशन वगैरह, कोई उनको कुछ नहीं पता, तो वहां पे कैरियर काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। तो बच्चे को ये, मैं तो ये बोलता हूं कि बच्चे को इवन सिक्स सेवंथ में ही गोल बन जाना चाहिए बच्चे का, कि वो करना क्या चाहता है, वो उसका निशाना क्या है, उसका गोल क्या है, वो पहुंचना कहां पे जाता है चाहता है, उसका एम क्या है। अगर बच्चे का लोअर क्लासेस में ही एम बन जाए ना, तो वो उस ट्रैक पे चलेगा, और दुनिया की कोई भी पावर ऐसी नहीं है जो उसको अपना एम अचीव करने से रोक पाए। सो इसलिए अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इसका फायदा भी मिलेगा, और ऐसी वीडियोस मैं डालता रहूंगा। मेरा चैनल सिद्धि विनायक स्टडी सर्कल रामपुरा फूल यूट्यूब पे है, और यही नाम का सिद्धि विनायक स्टडी सर्कल रामपुरा फूल फेसबुक पेज भी मेरा फेसबुक पे है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल भी मेरा आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो इस पे डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके।